डियर स्टूडेंट्स, जो आज आपको हम लोगों ने चैलेंजिंग प्रॉब्लम दिया था, आज उसका सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पर मैं डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए बिना लेट किए हम लोग प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। देखिए, प्रॉब्लम आपको था कि f(x)8 प्लस x)6 माइनस x)4 माइनस 2x³ माइनस x² माइनस 2x प्लस 9, इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, रेंज का कॉन्सेप्ट जरूरत पड़ता है। ठीक है, रेंज में क्या करते हैं, अगर कोई नॉर्मल क्वाड्रेटिक फंक्शन हो, क्यूबिक फंक्शन हो, तो हम लोग ग्राफ बना देते हैं। ग्राफ में वाई एक्सिस में कितना हाइट तक जाता है, उस तरह से हम लोग ग्राफ का जो मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो रेंज कैलकुलेट करने का तरीका होता है बच्चों, उसमें हम लोग डिफ्रेंसिएशन को भी लगाते हैं। कैलकुलस f(x)0, उसके बाद में डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव तो मिनिमा, डबल डेरिवेटिव निगेटिव तो मैक्सिमा। बट यहां पर में क्या होगा, ये जो दोनों मेथड्स हैं वो फेल हो जाएंगे। क्यों फेल हो जाएंगे, अब ध्यान से देखो, ये x^8 यानी 8 डिग्री का पॉलिनोमियल है। तो अगर 8 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो उसके इसमें आप डिफरेंशिएशन करोगे तो 7 डिग्री का पॉलिनोमियल आएगा। तो उसको फिर जो मैनेज करना है जीरो करके, वो डिफिकल्ट हो जाएगा। तो यहां पर में वो जो डिफरेंशिएशन वाला कॉन्सेप्ट है वो नहीं लगेगा। जो आप ग्राफ वाला कॉन्सेप्ट है, ग्राफ भी आप इसका ड्रॉ नहीं कर पाओगे, क्योंकि जैसे जैसे आपका डिग्री बढ़ता है वैसे वैसे ग्राफ का एनालिसिस करना डिफिकल्ट हो जाता है। जेई लेवल में डिफिकल्ट हो जाता है। तो चलिए देखिए ध्यान से इसको। ठीक है, हम इसको ऐसा लिखते हैं बच्चों, हम ये जो फंक्शन है इसको वाई लिखते हैं। ठीक है, इसको हम ऐसा लिख दे, देखो यहां पर मैं, ये x^8 है, यहां पर मैं क्या है, माइनस x^4 है। तो हम इसको ऐसा लिख दे बच्चों, x^4 होल स्क्वायर माइनस 2x^4 प्लस 1, मैंने इस तरह से लिख दिया। ठीक है, ऐसा इसलिए किया क्योंकि a माइनस बी का क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर बन जाएगा। अच्छा, अगर इन दोनों को लिया तो इसमें क्या किया, एक वन ऐड किया और यहां पर मैं माइनस x^4 था तो हमने माइनस 2x^4 ले लिया, तो मुझे एक x^4 क्या है, एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो एक x^4 को हम कहीं यहां पर मैं लिखेंगे, ध्यान से देखना। प्लस अगर इसको हम लोग लेते हैं बच्चों x^6, तो x^6 को लिख सकते हैं x^3 का होल स्क्वायर माइनस ये जो 2x^3 है ये भी बैठ जाएगा, 2x^3 प्लस 1, ये भी आपको क्या बना दे रहा है, एक अलग इस तरह का ब्रैकेट बना दिया। तो अभी तक क्या है बच्चों, अभी तक 1 प्लस 1 टू एक्स्ट्रा है, एंड ये जो माइनस x^4 था ये भी हमारे पास में एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग अभी ऐड करेंगे। प्लस थोड़ा और देख लेते हैं। ठीक है, इसका क्या है बच्चों, आपने अभी बताया कि जब आपके पास माइनस 2x^4 था, माइनस x^4 था, तो यहां माइनस 2x^4 है। अभी आपको एक x^4 क्या करना है, ऐड करना है। तो अगर आपने एक x^4 ऐड कर दिया, x^4 यानी x² का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहां पर मैं आपको बचा हुआ कितना है, यहां पर बचा हुआ माइनस x² है। तो माइनस x² यानी माइनस 2x² प्लस 1। तो आप इसको भी यूज कर लिए, इसको यूज किए, लेकिन इसमें माइनस 2x² आ गया, यहां पर माइनस x² है। तो यहां पर मैं क्या हो गया, प्लस x² आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो जब यहां पर मैं प्लस x² ऐड करोगे तो x² बनेगा, और यहां पर मैं कितना है, माइनस 2x, तो माइनस 2x प्लस 1, तो ये भी एडजस्ट हो गया। तो यहां पर मैं माइनस 2x² था, प्लस x² यानी माइनस x², तो माइनस x² यहां पर मैं है। ठीक है, तो सारे टर्म को अरेंज कर दिया। अब बचा यहां पर मैं टोटल कितना था, 9 था, यहां पर मैं 1 1 1 1, तो 4 हो गया। तो यहां पर मैं कितना बचा, 5। यानी इस एक्सप्रेशन को अगर आप सिंप्लीफाई करोगे, इस एक्सप्रेशन को अगर आप सिंप्लीफाई करोगे बच्चों, तो आप ध्यान से देखो कि इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने से आपको एफएक्स ही मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन इसी तरह से सेट किया हुआ है। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, वाई इक्वल टू x^4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस x³ माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस x² माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस x-1 का होल स्क्वायर प्लस 5। अब ध्यान से देखिए, ये होल स्क्वायर यानी ये कैसा क्वांटिटी है, पॉजिटिव। ये भी होल स्क्वायर है, ये भी कैसा क्वांटिटी है, पॉजिटिव।
ये होल स्क्वायर ये भी कैसा क्वांटिटी है, पॉजिटिव। ये होल स्क्वायर कैसा क्वांटिटी है, पॉजिटिव। यानी ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और ये प्लस में कितना है, फाइव। तो जब ये होल स्क्वायर जीरो, ये होल स्क्वायर जीरो, ये होल स्क्वायर जीरो, ये होल स्क्वायर जीरो, तो ये जीरो 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 प्लस फाइव, तो मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, फाइव। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, फाइव। तो उसमें ध्यान रखना है कि वाई मिनिमम कितना हो जाएगा, इक्वल टू फाइव। व्हेन, आपको ध्यान रखना है, व्हेन एक्स पावर फोर इक्वल टू वन, ठीक है, एक्स क्यूब इक्वल टू वन, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन एंड एक्स इक्वल टू वन। और सबसे जो कॉमन एक्स मिलेगा, जो कॉमन एक्स मिलेगा वो कितना हो जाएगा, एक्स इक्वल टू वन, एक्स इक्वल टू वन। यहां से एक्स इक्वल टू वन, यहां पर एक्स इक्वल टू वन, यहां पर एक्स इक्वल टू वन, यहां पर एक्स इक्वल टू वन। यानी एक्स इक्वल टू वन पर ये वाला एक्सप्रेशन जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो प्लस फाइव। ठीक है, तो आपको ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन का जो मिनिमम वैल्यू हो जाएगा स्टूडेंट, इस फंक्शन का जो मिनिमम वैल्यू हो जाएगा वो आपको आ जाएगा वाई मिनिमम इक्वल टू फाइव, वाई मिनिमम इक्वल टू फाइव एट एक्स इक्वल टू वन। तो आपको फंक्शन का मिनिमम वैल्यू कितना आ गया, फाइव, और आंसर कितना आया, और मिनिमम वैल्यू फाइव आया, और कौन से एक्स पर आया, एक्स इक्वल टू वन पर। ठीक है, ये रहा आज के चैलेंजिंग प्रॉब्लम का एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप ये वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स इस चैलेंजिंग प्रॉब्लम सीरीज में पार्टिसिपेट कर सके। नेक्स्ट जो क्लास होगा या नेक्स्ट डे होगा, हम लोग इस तरह का एक और चैलेंजिंग प्रॉब्लम आपको प्रोवाइड करेंगे। तब तक आप हमारे चैनल पर बने रहिए, एंड हम लोग जो भी रेगुलरली अपडेट्स दे रहे हैं रिगार्डिंग डिफरेंट टॉपिक्स का, आप उसको एंजॉय करिए एंड अच्छे से पढ़ाई करिए। तो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।